हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है, तो दरवाजा बंद रहता हो सकता पड़ने पर खुल भी सकता है। जी अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा, जी क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो इन चीजों को तय करता है। दरवाजा बंद होता है तो खुलता भी है, और खुलता तो फिर बंद भी होता है, तो कब खुलेगा कब बंद होगा इन सारी चीजों के बारे में भी मैं कुछ। नमस्कार, न्यूज़ प्रोडक्शन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। इसी बीच कल देर शाम दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर बिहार बीजेपी को लेकर एक बड़ी मीटिंग की। इस मीटिंग में जो बिहार के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, तारकिशोर प्रसाद, सुशील मोदी, रेणु देवी के अलावा तमाम जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद थे। बता दें कि इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर चर्चा की गई। उस पर बात किया गया कि नीतीश कुमार अगर एक बार फिर से एनडीए में आते हैं तो क्या बिहार में जो बीजेपी और एनडीए की जो स्थिति है और मजबूत हो सकती है, इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत की गई। जब इसको लेकर आज बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ साफ कहा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा अभी एनडीए का खुला हुआ है, भाजपा का दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं होता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या संभावना है, कब तक वो आ सकते हैं, तो उस पर उन्होंने साफ साफ बताया कि अभी इस पर मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद ही फैसला हो सकेगा। क्या कुछ कहना है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर, छोड़ जाते हैं आपके वीडियो के साथ। इस वक्त दिल्ली से निकल रहे हैं, कल देर रात गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर इन्होंने बैठक की थी। सर आप सर क्या जा रहे हैं कल बैठक जी पटना जा रहे हैं सर, कल की मीटिंग में क्या हुआ? कल की बैठक में तो लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार हुआ, और जहाँ तक देखिए नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है, राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है, तो दरवाजा बंद रहता हो सकता पड़ने पर खुल भी सकता है। जी अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा, जी क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो इन चीजों को तय करता है। जैसा मैंने कहा कि अगर दरवाजा बंद होता है तो राजनीति में दरवाजा खुलता भी। बहुत बड़ा इशारा आप कर रहे हैं, दरवाजा खुल भी सकता है, और कार्य समिति की कल बैठक भी बुला ली गई है, सभी कैडर को सभी लोगों को विश्वास में लेने की कोशिश चल रही है बीजेपी आलाकमान की तरफ से, कल पटना में प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुला ली गई है अचानक। नहीं वो तो देखिए रूटीन है, बैठक जो है हर 2-3 महीने पर होती है, वो बैठक हो रही है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हम लोग इसके बारे में कोई जानकारी। तो क्या सर मान लिया जाए कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुल गया वो आ जा रहे हैं, नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुल गया वो आ रहे हैं, आ रहे हैं सर आप कर रहे हैं, उसके प्रोस क्या होंगे कौन से क्या होंगे? मैंने इतना ही कहा जी सर कि राजनीति में परमानेंट दरवाजा कभी बंद नहीं होता, अगर दरवाजा बंद होता है तो खुलता भी है, और खुलता तो फिर बंद भी होता है, तो कब खुलेगा कब बंद होगा इन सारी चीज़ों के बारे में भी मैं कुछ नहीं।